हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विशेष शुरू चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं भी आप किसी भी नंबर की कॉल डिटेल, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, एयरटेल का हो, वोडाफोन का हो, जियो का, भी किसी भी जो इंडिया में ब्रांड चलता है किसी भी कंपनी का हो, उसकी कॉल डिटेल आप कैसे निकाल सकते हो। जी देखो फ्रेंड, मैं आपको दिखा रहा हूँ जी मैंने कॉल डिटेल निकाली है। जी मैंने कैसे निकाली है आज की वीडियो में मैं पूरा ट्यूटोरियल पूरा आपको सिखाने वाला हूँ आप कैसे निकाल सकते हो। ये देखो फ्रेंड कितनी कॉल डिटेल है, पिछली 6 महीने की कॉल डिटेल आप कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है आप देखते रहो फ्रेंड कितनी कॉल डिटेल है। ठीक है, पिछले 6 महीने में जितनी भी आपने कॉल की है, किसी को भी की होगी, उसकी कॉल डिटेल आप किसी के भी नंबर की आप अपने फोन से देख सकते हो। ठीक है भाई, और वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूँ भी ये हमने कौन कौन से नंबर की कैसे कैसे करनी है, कंप्लीट वीडियो देखना। इसके लिए हमें फ्रेंड एक एप्लीकेशन की जरूरत रहेगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है और वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसका नाम है E2PDF। इसका जैसे आप ऐसे डालोगे प्ले स्टोर में तो जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इस वजह से ओपन आ रहा है। जैसे हम ओपन करेंगे फ्रेंड तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, कुछ अलाउ की परमिशन मांगेगा, मैंने अलाउ दे रखा है, आप जो भी अलाउ मांगता है उसको अलाउ दे दीजिए। उसके बाद जो नीचे ये दिखा रहा है क्लिक टू कंटिन्यू, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जनरल कॉल लॉग का ऑप्शन आएगा, जैसे जनरल कॉल लॉग पे ऑप्शन आएगा इसको हम क्लिक करते हैं, टच करते हैं, इसमें कुछ ऐड आती रहती है, इसको आप क्लोज कर दिए क्योंकि ये प्रो वर्जन नहीं है। इसमें आप प्रो वर्जन भी ले सकते हो, उसमें आपके पास ये जो भी है ऐड वगैरह नहीं आएगी। इसके बाद फ्रेंड आप जहां से उसकी डेट सेलेक्ट कर सकते हो भी आप कब से कब तक लेना चाहते हो। जैसे मैं 1 जनवरी 2 ले लेता हूं, मतलब कि अभी आज 15 मई है, 15 तक की, जहां 1 जे बो रहा है। एक आउटपुट फाइल नेम देना है, PDF का फाइल नेम देना है, जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ 4 टाइम A। ठीक है, उसके बाद हमने इसको एक्सपोर्ट टू PDF पे कर देना है। जैसे हम इस पे करेंगे तो आपके सामने इसका 1-2 सेकंड का टाइम लेता है, इसके सामने ये पूरा का पूरा कॉल लॉग जो भी है वो पूरा का पूरा आपके सामने इस तरह से दिखाई दे देगा। ये देखो फ्रेंड, ये पूरे 6 महीने की कॉल डिटेल मैंने 5 महीने के आपके सामने रख दी है। उसके बाद फ्रेंड आपने क्या करना है, जे कॉल डिटेल फ्रेंड जो मैं बोल रहा था आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, जे कॉल डिटेल आपने मान लो भी आप अपनी गर्ल फ्रेंड या बंदा या बंदी की किसी की आप देखना चाहते हो तो उसके फोन में आपने करना है E2PDF फाइल को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने जहाँ पे डाटा जो भी मैंने भरा है वो भर दीजिए। जैसे कॉल डिटेल आ जाएगी, जहाँ शेयर के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए, जैसे फ्रेंड क्लिक करोगे तो जहाँ आप अपना व्हाट्सअप पे इसको सेंड कर लीजिए। बड़ी मुश्किल से 1 या 2 मिनट का टाइम लेता है फ्रेंड। जैसे मैंने एक नंबर पे इसको सेंड कर लेता हूँ, जैसे फ्रेंड मैं इसको सेंड कर लेता हूँ, ये पूरा का पूरा PDF फाइल मेरे पास यहाँ व्हाट्सएप में आ गया है। ये देखो फ्रेंड, मैं आपको अपना व्हाट्सएप खोल के दिखा रहा हूँ ये कैसे आता है, कैसा दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड, ये मैं अपना व्हाट्सएप खोल लिया। व्हाट्सएप खोलने के बाद ये देखो फ्रेंड, जहाँ पे मेरे पास एक PDF का सेटअप आया है, इसको जैसे मैं ओपन करता हूँ तो ये देखो जो मेरे उस ऐप में दिखाई दे रहा था वो पूरा का पूरा फ्रेंड अपने जे इसमें आ चुका है। ठीक है फ्रेंड, ये देखो ये पूरा का पूरा कॉल लॉग आ चुका है। ठीक है फ्रेंड, आपने फ्रेंड बहुत सारी YouTube पे वीडियो देखी होगी, इसमें ऐसा होता है फ्रेंड हम दूसरे का कॉल लॉग अपने फोन से नहीं ले सकते, लेकिन उसके फोन में जे पूरा सेटअप जो मैं ये एप्लीकेशन का लिंक तो आपको दिया है डिस्क्रिप्शन में दिया, जो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके 1 बार 2 मिनट के लिए फोन लो, इंस्टॉल करके जे बैकअप अपने उसमें ले लो व्हाट्सएप में, उसके बाद इसको अनइंस्टॉल कर दो। तो जहां से आप पूरे 6 महीने का किसने कितने बजे कॉल की है, इसमें नेम भी बताया हुआ है अभी, उस बंदे का नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, टाइम क्या है, कितनी बात हुई है, तो कॉल की है, रिजेक्ट की है, मिस्ड कॉल है, डायल्ड कॉल है, जो भी है A to Z फ्रेंड इसमें आ जाएगा। इसमें फ्रेंड एक चीज आप और देख सकते हो, उसके जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है A to Z फ्रेंड, आप उसके फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर सेव हैं पूरे के पूरे भी, आप जहां पे जाके नेम और नंबर, जहां से आप PDF का एक नाम कोई भी आप रख दी, इसका मैं AAA रख देता हूँ। उसके बाद जैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे तो जहां पे फ्रेंड पूरे का पूरा उसका कॉन्टेक्ट जो भी उसके फोन में है वो अपने पास आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये कुछ थोड़ा 1-2 सेकंड का टाइम लेता है, इसमें वरी नहीं होना। ये देखो जितने मेरे फोन में भी जितने भी नंबर मेरे पास सेव हैं, ये पूरे का PDF फाइल बना के
मिल जाएगा, अपने पास शो हो जाएगा, और जहाँ से शेयर करके इसको भी आप अपने व्हाट्सएप नंबर पे बैकअप ले सकते हो, है ना फ्रेंड। कमाल की ट्रिक, इतना डिटेल से फ्रेंड कोई समझाता नहीं है, बस इतना बता देता है कॉल डिटेल लेना है, लेकिन क्या सही रास्ता है क्या नहीं है वो बताना भूल जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो आप देखा करोगे। अभी बताने वाली चीज कौन सी है अभी यार, ये बता क्या रहा है उसको कमेंट सेक्शन में पूछा करो यार, क्यों हमें यार पागल बना रहे हो, ठीक है फ्रेंड। हम किसी के भी फोन की कॉल डिटेल जो जियो की है उसकी मैं पहले वीडियो बना रखी है, जियो के आप अपने फोन से ले सकते हो, उसके लिए भी एक ओटीपी की जरूरत रहेगी। इसमें तो ऐसा है भी आप अपने फोन की कॉल डिटेल तो मैंने ले ली, अगर आपने किसी की गर्ल फ्रेंड की या बंदा या बंदे की किसी की भी लेनी है तो उसके फोन में पहले ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसका कॉल डिटेल कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ से इंस्टॉल करके अपने व्हाट्सएप में बैकअप ले लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिए, है ना फ्रेंड। कमाल की ट्रिक, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। थैंक यू फ्रेंड।